हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल लाइव स्ट्रीम ऑफ लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स ऑफ टू स्टेट्स व्हिच आर कमिंग इन टुडे. टुडे हैज बीन अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग कंटेस्ट. सो द एग्जिट पोल ट्रेंड्स व्हिच द प्रोजेक्शंस व्हिच वर गिवन on Saturday are not, they don't appear to be coming true as of now, but it is certainly going to be a very, very interesting contest today. Here in my studios, I have my colleagues. I have Manjeet Thakur with me, M.A. Hashmi, who is the editor of Hindi edition, and Asha Khosa, who heads the English edition. So here we are today, the D-Day of elections for us. Election results are not a wrestling match. Let us tell you that very, very clearly. We take election results a bit seriously. It's serious business for us, which decides the fate of this country. Now, as far as the fate is concerned, we have to see whether the BJP is going to make a hat trick this time. And if it manages to do it, it's going to be historic, because this is going to be the second time when any party is going to make the government in the center three consecutive time after Jawaharlal Nehru. But certainly, we'll have to wait and watch and see whether the BJP juggernaut will stop, as has been projected that it will be getting more than 400 seats. As of now, it doesn't appear to be that case. As of now, the real-time data is NDA is 290 and India is 232. Manjeet, what do you say? All set for today's coverage? What is your analysis of the results, the trends which are coming in? सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार. मैं मंजीत ठाकुर. और जमहूरियत के इस जश्न में, लोकतंत्र के इस उत्सव में जो आज पूर्णाहुति का अवसर आया है, आंकड़े दो तरह के हैं. एक तो इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है उसमें वो 539 सीटों के नतीजे और रुझान दिखा रहे हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 237 सीटों पर आगे है और कांग्रेस जो है वो 97 सीटों पर आगे है. समाजवादी पार्टी जो 34 सीटों पर आ गए. तो हम सबसे पहला सवाल जो है अपने हिंदी के संपादक हाशमी जी से लेते हैं. हाशमी जी, कांग्रेस जिस तरह से और समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, ये क्या एग्जिट पोल में तो ऐसा दिखा नहीं था? पहले हम एग्जिट पोल पे बाद में आते हैं. पहले कुछ दो चार दिलचस्प बातें मैं बताना चाह रहा हूँ. एक तो ये कि 1952 के बाद पहली बार इतना लंबा इलेक्शन हुआ है. 46 दिन हुए पूरे चुनावी प्रक्रिया को, और उसमें 55 लाख EVM मशीन का इस्तेमाल हुआ और 642 मिलियन वोटर्स ने इसमें भाग लिया. तो रिजल्ट जो है अभी रुझान है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आंकड़े की रुझान है. इतना बड़ा लोकतंत्र है, पूरी प्रक्रिया चलती है, तो दिन भर संयमित होकर के आपको देखिए. और चूँकि अभी शुरुआती रुझान है और इसमें बेशक उत्तर प्रदेश में कुछ उलट पुलट सा दिख रहा है, और जिस तरह से एग्जिट पोल ने कहा था, जैसे आंकड़े दिखाए थे, वो उम्मीद से कुछ अलग से दिख रहे हैं. ख़ासतौर से चौंकाने वाले दो तीन स्टेट हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश है, एक हरियाणा भी है, और एक हमें लगता है कि बिहार में भी हमको कुछ उलट फेर देखने को मिलेगा. मतदाता जिस तरह से शांत रहा था उसमें थोड़ा सा हमें भी अनुमान लगाने में दिक्कत हो रही थी. फिर वोटिंग पैटर्न भी जो था वो भी बहुत निचले स्तर पे था, तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मतदाता चाहता क्या है. अब जब पेटी खुली, मशीन जब खुली है, तो ये उलट फेर सा दिख रहा है हमें. तो अभी शुरुआती रुझान है. हम लोग फिर आएंगे. दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम लोग एक बार फिर आएंगे, और उसके बाद जो रुझान वास्तव में होगा जीत या हार की तरफ, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे. और निश्चित है कि ये चौंकाने वाला है. आशा जी, वी लाइक टू आस्क यू, यू नो, एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, दैट इज वन बिग थिंग विच हैज हैपेंड दिस टाइम इन द लोकसभा इलेक्शंस. व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड्स विच आर कमिंग इन फ्रॉम कश्मीर, जम्मू एंड ऑफ कोर्स लद्दाख? Again, from Kashmir, the trends are very interesting. Like in Baramula, till some time ago, I don't know what is the exact position now, Umar Abdullah was trailing. Now, if that happens and that continues, it's a very big trend. It's a very big development, you know. Because in Kashmir, we always felt, I mean, that was a political analysis that, you know, there's a young generation who wants a change, who wants things to change. They don't want status quo ante. If that is the trend, maybe Umar Abdullah's trailing reflects that thought sentiment of the people. Right. Mehbooba Mufti was also trailing,
she was trailing for a fairly long time in Anantnag, which is interesting because she has been chief minister, her father has been chief minister. So of course, these are not the final, as Hashmiji said, these are not the final figures. But overall, it seems that, you know, all the established political elements, say BJP in Uttar Pradesh, they are not going to have a cakewalk. Even if they win, the voter is going to give them a very hard time. Mm-hmm. The voter will make them think twice. I mean, have they done their, how their performance has been, whatever is the criteria on which the voter judges. They cannot take voter for a granted. I think that is a message coming out from the you know, the statistics that we have got so far. Right. The voter, जो हिंदी में बोलते हैं जनार्दन है, जनता जनार्दन है, इन फिगर्स को देख के मालूम पड़ता है कि वाकई जनार्दन है. Right. चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे यूपी में हो, उलट फेर करने की ताकत जो है वो आम वोटर में, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इसका आंकड़ा मैं अपडेट करता हूँ. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है. भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है और 1 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग मंजीत दिस टाइम इज दैट यू नो द प्रोजेक्शंस ऑफ द एग्जिट पोल्स फॉर बीजेपी इन यूपी वर क्वाइट अपबीट, बट दैट डजंट सीम टू बी द केस. Samajwadi Party is doing quite well as far as the trends are concerned. What do you say? अभी 11 बजे हैं और अभी 11 बजे के हिसाब से ये ट्रेंड्स बहुत शुरुआती, बहुत जल्दबाजी में हैं. आपने बिल्कुल शुरू में 9:30 बजे के आसपास देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2-3 हज़ार वोटों से पीछे चल रहे थे. तो ऐसा तो होता है, अभी डब्बे खुलेंगे. 2 बजे के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू होगी. और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स जो विजेता की भविष्यवाणी करने में, यानी कि कौन गठबंधन या कौन पार्टी जीतेगी, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 97% है. यानी 97% बार वो ये बताते हैं कौन जीतेगा. इसलिए एग्जिट पोल के हिसाब से विजेता तो क्लियर है. सीटों की संख्या में जो उनकी भविष्यवाणी होती है वो थोड़ा सा कम करके बताते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, एग्जिट पोल के हिसाब से, तो सीटों की संख्या विजेता को भी कम मिली है. लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 2004 में सारे एग्जिट पोल फेल हुए थे. इसलिए उस अपवाद में भी कई बार कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ताओं ने यह कहा कि एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे 2004 की तरह का. तो उस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए. राइट. सो एज ऑफ नाउ लेट अस गिव यू एन अपडेट. द करंट अपडेट इज एनडीए इज 294 minus 49 from the last 2019 elections. NDA is 229 plus 102. So, and India is doing fairly well with the 228 this time. Ashmi Saab, if we talk about Bihar, what is the phenomenon which played out? And BJP, of course, is not doing as well as, you know, they were expecting to perform in Bihar. हर जगह पे देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार में ही. मुझे लगता है कि हर जगह पे कुछ कुछ हमें ऐसा दिखने को मिल रहा है. बीजेपी उम्मीद से जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, उस तरह से हमें देखने को नहीं मिल रहा है. बिहार भी उसमें अपवाद है. No, but then in South India it's done quite well. You know, it has, if you look in Karnataka and other places. वो शुरू एग्जिट पोल जो आया था उसमें कर्नाटक था कि कर्नाटका में इनको सीटें ठीक ठाक मिलेंगी. लेकिन शुरू बीजेपी को बिहार से दिखाया जा रहा था कि आगे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है. लालू यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और दूसरी जो बेटी है वो भी आगे चल रही है. अभी जो शुरुआती रुझान है. एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि यूथ जो है, अगर आप देखें हर पार्टी में, तो वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे. हर पार्टी का यूथ जो है, वो नए चेहरे सब दिख रहे हैं मुझे, वो आगे बढ़ रहे हैं. यूथ की परिभाषा बता दीजिए, कितने साल की उम्र तक यूथ माना जाएगा? मैं देखिए, इसमें तो हम फिर पॉलिटिकल हो जाता है कि कुछ नेताओं को लोग कहते हैं कि ये यूथ कहाँ से लगते हैं, तो उसमें नहीं जाते. वो जो चेहरे मोरे से लगते हैं यूथ, वो वाकई आगे जा रहे हैं. यहाँ तक कि चंद्रशेखर जो दलित की राजनीति करते हैं, वो भी आगे चल रहे हैं. चंद्रशेखर, उनका आगे क्या नाम है, रावण, हाँ, वो भी आगे चल रहे हैं. तो यूथ सारे चेहरे मुझे आगे दिख रहे हैं, और वही हाल मुझे बिहार में भी दिख रहा है. जितने यूथ चेहरे हैं वो सब आगे दिख रहे हैं. और ये रिजल्ट के बाद ही, एनालिसिस करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसके कारण क्या रहे हैं, कहाँ से किस गलती हुई. नीतीश फैक्टर विच वेंट नीतीश देखिए नीतीश मुझे लगता है कि नीतीश को लाने से बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हुआ. मैं ऐसा मानता हूँ. और मैंने पहले ही, अब जब एग्जिट पोल आया था और उसके बाद हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा था कि बीजेपी मुझे जीतती हुई दिख रही है. अभी भी मुझे बीजेपी जीतती हुई दिख रही है.
सीटों का मैंने पहले कहा था कि सीटों का अंतर हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी अपने पुराने आंकड़े पे कायम हूँ कि क्या आंकड़ा है आपका पुराना? So we'll have to wait. क्या आंकड़ा है आपका पुराना? मेरा पुराना आंकड़ा ये है कि बीजेपी को वो सीटें जो चाह रही थी वो नहीं मिली, जैसे 303 पीछे था पिछले चुनाव में, मेरे ख्याल से उससे में कमी आएगी। अच्छा, मैं बिहार का अपडेट दे देता हूँ इस बीच। 15 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है, भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर आगे है, एलजेपी सभी 5 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो 5 सीटों पर आगे है, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर आगे है, और जो बहुत हैरतअंगेज बात है वो ये कि CPI MLL यानी वो जो है 2 सीटों पर, और CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वो 1 सीट पर आ गए। सो मंजीत, लेट्स नाउ गिव द बिग पिक्चर। नाउ एज ऑफ नाउ द रियल टाइम डेटा इज NDA इज 295 एंड इंडिया इज 228। नाउ हाशमी साहब, सिंस यू वेरी कीनली फॉलो हरियाणा, इन हरियाणा कांग्रेस सी अपीयर्स टू बी डूइंग क्वाइट वेल एंड बट द एग्जिट पोल्स वर यू नो दे वर गिविंग अ कॉन्ट्ररी पिक्चर बट देर सीम्स टू बी एंटी इनकम्बेंसी यू नो अदर फैक्टर्स लाइक द फार्म प्रोटेस्ट playing out in favor of India, what do you say? अग्निवीर भी एक कारण है उसके अंदर, क्योंकि हरियाणा से बहुत लोग आर्मी में जाते हैं और कुछ लोग बीच में भी छोड़ के आए, उसमें से एक हरियाणा का भी था जो सोशल मीडिया पर भी हमने देखा था। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में बीजेपी पहले की तरह 10 सीटों पर उस तरह से प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन इतना भी नहीं होगा, एकदम 4 जो दिख रहा है अभी, जो अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ये शुरुआती रुझान है, जो शुरुआती रुझान में दिख रहा है बीजेपी के हिस्से में 4 है, जबकि 10 सीट पिछले चुनाव में आई थी। कांग्रेस जो है मुझे जीतते हुए दिख रही है 6 सीटों पे, जो रुझान के हिसाब से कहें तो। और आश्चर्यजनक बात यह है कि राज बब्बर जो है गुड़गांव से जीतते हुए दिख रहे हैं। राव इंद्रजीत बहुत पुराने आदमी हैं और उनके फादर मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे, उनकी खुद की पकड़ बहुत अच्छी, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद राज बब्बर जो है पहली बार वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। किसान फैक्टर तो है ही इसके अंदर, इसके अंदर दूसरी बात यह है कि जो पिछली सरकार थी खट्टर की, उससे लोग संतोष नहीं थे, विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से खट्टर से पहले की सरकारों में। What do you have to say to the naysayers who were saying that the EVMs are fixed, they are manipulated? Will they cut a sorry figure now? I think they'll have to cut a sorry figure. Even if the we take the figures which are of lead and people who are trailing, I mean the parties which are trailing, they have got substantial votes. I mean they're trailing at the India Bloc is trailing at, it is leading in 227. Right. Till 11 o'clock or something like that, which that means they have got substantive votes. Right. Even if they don't move ahead or some of them move ahead, so they cannot say that everything is manipulated. Right. They cannot. It cannot be a convenient ploy that, you know, there is a conspiracy against us. Right. This is very bad. I think one of the leaders of Congress, Manish Tiwari, said in the morning that this is not fair. Whatever is the result, we should accept it. Right. It has been vetted. Our electoral system, a voting system has been vetted by science. It has been vetted by law. It has been vetted by the world. A lot of countries are coming and saying we want EVMs like you do. And also, let me remind my voters that, you know, in America there were elections. They still have that ballot system and all that. It took them 1 month to settle for the results, right, because there were disputes. And comparatively, how much clean, precise, and accurate is our system? You know, there's very less chance of manipulation. Exactly. I mean, so people should not play games with the reputation of the country and also the just because they want to settle scores with the rival. That's not fair. अच्छा जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था इससे EVM से जुड़ा हुआ। EVM से जब विधानसभा चुनाव जीतती है विपक्षी पार्टियां, तब तो ईवीएम उनको गलत नहीं लगता है, लेकिन जब हारते हैं तब वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। मैं भी वही कह रही थी कि उनको जब अब जितने उनको अभी तक वोट मिले वो भी बहुत हैं, देखिए अनुमान से वो भी अभी बहुत ज्यादा हैं, तो आगे भी उनमें से आगे बढ़ेंगे, हो सकता है काफी लोग जीत जाए, तो इतने में भी उनको खुशी होनी, ये तो अपने आप वोट नहीं मिले ना, उसी ईवीएम के जरिए इनको वोट मिले हैं। तो हर बात पे शको शुभा पैदा करना वो देश के लिए सही नहीं है, इन पार्टियों के लिए भी सही नहीं है। कल को यही पार्टी इक्तदार में आएंगी और they'll have to face the same situation. Right. Yeah, you can't play games with the country's reputation. हाशमी जी से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था सर कि अभी कल जो बयानबाजियां हुई हैं
चाहे पप्पू यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, या विपक्ष के मैं सभी नेताओं का ना, उन्होंने और ये कल के सभी उसमें सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न चैनल्स पे भी चला कि अगर हमारे मन मुताबिक जो कि सिद्धू मूसेवाला के गाना 295 का नंबर 295 बताया वो नहीं आएगा तो ये हो जाएगा, लोग हमारे वोटर कफन बांध के निकले हैं, और तो यूपी में हाई अलर्ट भी है, यूपी में गड़बड़ी की आशंकाएं भी है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने भी, इलेक्शन कमीशन ने बाबा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें उन्होंने कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेरी खास नज़र रहेगी। जिस तरीके से विपक्षी दल या कोई भी पार्टियां जिनको लगता है कि हम हार जाएंगे तो हमारा बुरा होगा, उसमें पब्लिक को नहीं उकसाना चाहिए, ये इस तरह से उकसावे वाली बात नहीं होनी चाहिए, उससे देश का नुकसान होगा। सरकार कोई भी बने जनता के लिए सरकार बनती है, और हम मानते हैं कि जनता के कल्याण के लिए सरकार बनती है। आपकी पॉलिटिक्स तो हो सकती है लेकिन देश के साथ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप भड़का रहे हैं, जो भी भड़का रहा हो उसका नतीजा बड़ा ख़राब होगा, तो ये इस तरह से हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। और इससे पहले कि आप प्रोग्राम ख़त्म करें, मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि शुरुआती रुझान से ही बिकवाली शेयर बाज़ार जो है लगभग 20 लाख करोड़ रुपये डूब गया है बिकवाली में। So yes, that's the beauty of this country, you know, the democracy is supreme, you know, no matter what happens, but then of course the country is so huge and diverse that, you know, there are bound to be frictions, conflicts, but at the end of the day what matters is the democracy, the people of this country. Now Manjeet, the NDA is inching towards the BJP's 2019-303 mark. It's the NDA, mind you, not the BJP, but certainly they're moving in that direction. And of course, India is 227. Now, Manjeet, BJP and Congress were in a direct contest in about 170 seats, in which BJP, of course, is leading in over 100 seats. But this is true that certainly the Congress has got, it has re-energized this time, and I'm sure that the Congress headquarters must be quite upbeat with the trends which are coming in. These are just the trends. Results, we'll have to wait. What do you have to say? You've also covered Congress. ये अभी जैसा सर आपने कहा कि ये बहुत शुरुआती रुझान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही कि करीब करीब 150 सीट से ज़्यादा सीटों पर, 160 के आसपास सीटों पर जब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने होती है तो उसमें भाजपा को लीडिंग एज मिलता है हमेशा और कांग्रेस हार जाती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का, मैं खास तौर पर पश्चिम बंगाल का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, जहाँ पर एग्जिट पोल्स में, जो कि अभी हम लोग एग्जिट पोल की बात कर सकते हैं, तो एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुत गेन दिखाया गया था, लेकिन अभी 11:26 पर जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसके हिसाब से 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, कुल मिलाकर 42 सीटें हैं। दैट्स रिवर्स नाउ, अर्लियर द बीजेपी वाज लीडिंग इन द अर्ली ट्रेंड्स। जी, तो एक तरह से कहा जाए तो क्षेत्रीय दल जो हैं वो इंडिया की ताकत को अभी बढ़ा रहे हैं। हालांकि आरजेडी से ज्यादा की उम्मीदें थी, वो सिर्फ 4 सीटों पर आगे हैं अभी, लेकिन पड़ोसी राज्य बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी इतनी ताकतवर नेता है, वो अभी तक 11:30 तक मैं अगर बात करूं तो 29 सीट पर आगे है, और कड़ी टक्कर तो है पश्चिम बंगाल में खास तौर पर। आशा जी, यू नो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू नो डिस्पाइट 10 इयर्स ऑफ रूल देयर इज सर्टेनली एलिमेंट्स ऑफ एंटी इनकंबेंसी, बट व्हाट इज इट? इज इट द इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हिच इज लार्जर देन लाइफ व्हिच इज making BJP string still hold strong for the third consecutive time? It's not a small thing, you know, like we know from the examples after the you know, the initial 3 tenures of our country after independence. One was of course given, and the remaining two were won by the Pandit Jawaharlal Nehru. But you know, the BJP holding from a party of 3 seats to 303, and now, you know, still holding for the third consecutive term. What do you say? What is playing in favor of the BJP still? Of course, as Atha, you said, Prime Minister Modi, his personality, his aura, his brand image, that is too big to be defeated. That may be the reason BJP is still going on. And it is likely to win, even going by the, you know, leads we see right now. Right. It will win, but not to the extent probably to which the pollster had said.
In a developing country, in a developing and aspirational country like India, see, development alone cannot take you ahead. Mm-hmm. We have seen it before. The development does not get you votes. Mm-hmm. That we have seen in states, because at the end of it, when people think that government has made road, they have made ports, they have made this, that infrastructure, at the back of their mind is, it's their responsibility. They should have done it earlier. Mm. So people are not satisfied or overawed by what any government does for the development. Right. It has to be something extra. And in the BJP, extra is PM Modi's personality and the image he has created of India for the world. Right. That people appreciate, because that helps all of us, that helps our exports, that helps our youth to get jobs, that helps in every way, you know, we can hold our heads high and go around the world. Right. So that is a big thing. Right. But if you ask me, people are going to vote because Gadkari made a lot of roads, they'll say, okay, fine, he did it. But our aspirations are much more. Why our roads are not as good as maybe some other countries? Mm. The development never gets votes, but because there are aspirations, and there's no end to aspirations of the common people. That is the reason why BJP is not doing, the NDA bloc is not doing as well as had been projected, or probably as BJP itself tried to project itself. Ashwin Saab, what do you think Modi's charisma is working? It is still working, going strong. He inspires confidence in today's world, which is so fluid in, you know, in terms of the security, the economy world. You know, we are seeing two wars happening, the two war theaters. But it appears that, you know, he has still inspired confidence of the Indians that he's the leader, you know, as of going by the trends, who can lead the country. देखिए, ये तो मसला है ही कि कौन लीड करेगा, लेकिन जिस तरह से 10 सालों में जो छवि बनाई है विदेशों में, अपने देश के अंदर भी, कुछ मुद्दों को छोड़ दिया जाए अगर, तो वाकई जो है मोदी साहब ने भारत से लेकर के भारत के बाहर भी, ख़ास तौर से मुस्लिम कंट्रीज़ में, हम यहाँ पे मुसलमानों के इसलिए बात करना चाहते हैं कि चूँकि हमारी वेबसाइट और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है मुसलमान को लेकर ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए हमें बार बार देखने का ये मौका मिला कि मुस्लिम कंट्रीज़ में मोदी साहब का बड़ा सम्मान है, और कई कंट्रीज़ ने उन्हें जो उनका वो राष्ट्रीय सम्मान होता है उससे भी उनको नवाजा है, लगभग 6-7 सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो जो भी होगा, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, मेरे ख्याल से, अब मैं पहले भी कहा था कि मुझे दिखती नहीं है कोई इस तरह से उनके मुकाबले में, ये तो है, चुनौती है। और जैसे कल खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सरकार हम ही बनाने वाले हैं, तो खड़गे साहब जब बोल रहे होंगे, अभी उन्होंने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट चुना नहीं है, पर अगर सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ से कौन बनेगा, तो उनके दिमाग में चल तो रहा होगा कि भाई मोदी साहब के बराबर किसको लाया जाए। एक बात बताइए, अगर अभी हम जो ट्रेंड्स है उसके हिसाब से भी देखें, तो 227 सीटें इंडिया ब्लॉक को है, 297 NDA को है, तो प्रधानमंत्री कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का बनेगा, ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? 297 तो है ना बहुमत से ऊपर। ये शुरुआती रुझान, तो मैं पहले कह रहा हूँ कि शुरुआती रुझान, हम शुरुआती रुझान पे सारी बहस कर रहे हैं, तो ये जो है शुरुआती रुझान में भी तो हमको बहुमत मिला है। हाँ ठीक है, शुरुआती रुझान में भी तो 227 सीटें हैं, नंबर ऑफ सीटों पे मतलब हम डिस्प्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो रुझान से भी पता चलता है वो अगर जोड़ तोड़ करके, हालांकि 297 सीट के बाद तो सरकार का कोई मसला ही नहीं बनता है विपक्ष के लिए, लेकिन अगर स्थिति थोड़ी और इंडिया ब्लॉक के लिए सुधर जाए, तो अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 34 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 29 सीट पे आगे चल रही है, तो क्या दो महत्वपूर्ण मंत्रालय पर दावा करेंगे ये लोग? नहीं देखो, वो तो पहले भी जब थी सरकार तब भी ये जो है ममता बनर्जी रेल मंत्रालय बहुत चला जी सोशल मीडिया में, तो वो तो चलता रहेगा, क्योंकि जब भी ये बात रेल मंत्रालय उतनी अहमियत कर रहा नहीं ना, अलग से बजट नहीं है उसका। हाँ ठीक है, वो निकाल दिया, लेकिन बाकी जो मंत्रालय हैं, ख़ास तौर से आप डिफेंस का ले लीजिए या गृह मंत्रालय ले लीजिए, ख़ासतौर से गृह मंत्रालय लीजिए तो ज़्यादा मारपीट होगी, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा है। बहरहाल ये सब नहीं, तो 227 सीटों का मसला है कि हमने इतनी चर्चा कर ली, वरना 297 पर तो सरकार हर हालत में बनेगी। हाँ, तो बहुत पहले ही कह रहा था, वो तो क्लियर है, उतरा तो बनेगी। सो वी हैव एन अपडेट फ्रॉम गांधीनगर, वेयर अमित शाह इज लीडिंग बाय 5 लाख वोट्स, सो दैट्स फिनोमिनल, 5 लाख वोट्स इज अ मेजर मेजर बिग लीड। नाउ
Asha ji, I would like to ask you that, you know, this time around, if we go by the trends, Ram Mandir was a big plank, you know, on which the people believe that, you know, the voters are going to vote. But that doesn't appear to be the case here, you know, if you look at the trends. Had it been the case, the BJP could have breached its, you know, 400 mark, you know, it could have breached the Congress records in 1984. Clearly, you know, people, was it the span of that entire, you know, this event of about 20 years, which, you know, reduced the impact amongst the voters? And what, how do you see this phenomenon? Well, Ram Mandir, of course, it was a very big thing for the majority community in this country. And it gave them a lot of peace, a lot of happiness, and a lot of sense of justice. But as the whole process was never violent, it was legal, it was protracted, so is the reaction. It is not a euphoric reaction. On that particular day, you know, I am a non-Muslim, so I'm telling you from that angle, I can understand. On that day, people were very happy, but this happiness was not something which is against somebody, right? Because they were this happiness comes from a moral, certain moral victory also, that we didn't take out guns to kill somebody to get our place of land. Right. So it gave a lot of confidence to the Indians, by and large, to the majority of Indians. It gave them a lot of confidence that this is a country where we can win our battles legally, peacefully. Right. And that gave them a lot of moral courage. But it did not necessarily you know, mean that they are now BJP, they are mad after BJP. Right. They felt happy that BJP was instrumental in doing a certain part of that, like construction of Mandir was essentially a BJP handiwork. So they did it in a jiffy. बीजेपी वहां पे दो सीटों पर आगे चल रही है. त्रिशूर सीट पर सुरेश गोपी 41,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं और राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के सामने तिरुवनंतपुरम से करीब करीब 10,000 वोट से 9,000 कुछ वोट से आगे चल रहे हैं. दरअसल हमने पिछले पहले भी बात की थी, शशि थरूर का मुझे लग ही रहा था बिकॉज उनके चार टर्म्स हो गए और केरला के वोटर्स की एक खासियत है वो रिपीट नहीं करते थे. लेकिन शशि थरूर को उन्होंने चार मौके दिए और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने वहाँ. लेकिन राजीव चंद्रशेखर पिछले कम से कम 4-5 साल से वहाँ तिरुवनंतपुरम में बहुत काम कर रहे थे. देखिए, दोनों एक ही उम्र के लोग हैं, दोनों बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज हैं. तो अब शायद राजीव चंद्रशेखर या तो उनको अच्छी टक्कर देंगे या हो सकता है शशि थरूर को हरा भी दें. और जो सुरेश गोपी हैं वो एक एक्टर हैं, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एक्टर ऑफ केरला मलयालम सिनेमा. और त्रिशूर जो है वो एक कल्चरल सेंटर है. यू कैन से द केरला में ऐसा है कि मुसलमान भी बहुत स्ट्रांग है कल्चरली ऑल्सो, हिंदूज आर वेरी स्ट्रांग एंड क्रिश्चियंस आर इक्वली स्ट्रांग. लेकिन जो त्रिशूर है वो हिंदू कल्चर का गढ़ है. right. तो वहां से अब बीजेपी ने इतने मेहनत की, कुछ तो उसका फल मिलेगा. सर, उड़ीसा का अपडेट हाशमी जी. उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर आगे चल रही है, बीजू जनता दल 3 सीटों पे और कांग्रेस 1 सीट पे. उड़ीसा में कैसे ये जिसको हम लोग ऐसे जो अध्ययन करते हैं ना, शोध लोग, शोध करने वाले लोग जो शोधार्थी रिसर्चर्स, वो कहते हैं हिंदू हार्टलैंड उड़ीसा को. वहाँ पर भाजपा की एंट्री इतनी लेट हुई, पिछली बार 2019 में 8 सीटें थी, इस बार 17 कैसे पहुँचे? देखिए, बीजेपी जहाँ जहाँ नहीं थी या कमज़ोर थी वहाँ पे लगातार, जैसे केरल की बात करें तो वहाँ पे लगातार उनका काम चल रहा था. ख़ासतौर से संघ जो है इनको वो आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, तो संघ का भी वहाँ काम चल रहा था, बीजेपी का भी काम चल रहा था. और ये आभास बीजू जनता दल वालों को हो चुका था कि हमारे हाथ से सरकार निकलने वाली है. इसलिए उनके पहले जो जिस तरह से रिश्ते थे मोदी साहब से, वो रिश्ते में खटास आ गई थी. और जो है आखिर में जो है जब चुनाव करीब आ गया तो दोनों तरफ से जिस तरह से बयानबाजी आ गई थी उससे साफ लग रहा था कि बीजू जनता दल, और बहुत लंबे अरसे से वो वहाँ पर सत्ता में भी हैं, तो वो जनता का जो है वो विरोध तो उनको भी झेलना ही पड़ेगा.
And Sampit Mahapatra is now leading from his seat. Yeah, he apparently, he was in trouble and he went for a Mohan Vrat and all. So now he's back in the, in the saddle. एक महत्वपूर्ण राज्य की बात करते हैं तो सर yes. ये है तेलंगाना right. भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से भी गेन की उम्मीद थी और गेन होती हुई दिख रही है क्योंकि अभी 8 सीटों पर टोटल 17 सीट हैं तेलंगाना में mm-hmm. उसमें 8 पर भाजपा 8 पर कांग्रेस चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है mm. तो ये अभी अभी so, मौजूदा right. स्थिति है. So that's neck and neck. Now, the big picture, of course, 295, and we'll get the. It seems that now figures are settling down, and the counting has slowed down a bit, but it's on. Now, I want to ask you one question, Manjeet. What do you think? Like, we're talking about Ram Mandir, you know, the Ram Mandir factor was not as effective or strong around this time. But if you look at 2019, when Pulwama happened, there's a very strong sentiment in favor of BJP and the NDA. So do you think that the nationalism in this country is more overpowering? You know, it's more important for people when they go to vote. Look, Pulwama ka case, jisme hamare samne ek seedha seedha shatru tha, Pakistan. Aur uske wajah se rashtravad, jaisa aapne kaha, wo usme naujawanon ne bahut badh chadh kar hissa liya. Right. इस बार के इलेक्शन में जैसा कि गर्मी की वजह है या उत्साह की कमी हो, जो वोटिंग की कमी हमने देखी उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, अभी डेटा आना बाकी है, कि नौजवान बहुत तेजी से आगे बढ़कर के वोट नहीं किया. लेकिन जिस राम मंदिर का जिक्र आपने किया है, उसने उस एज ग्रुप में, उस एज ब्लॉक में गढ़ बनाई, जो 40 से लेकर के 55 साल का जो एज ग्रुप होता है उसमें वन साइडेड एक तरह से उन्होंने राम मंदिर का जो अंडर करेंट था वो मौजूद था. हालांकि राम मंदिर पर दावा भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने सीधे सीधे नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर भाषण में, हर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने हर रैली में ये कहा कि हमने विपक्षी गठबंधन को न्योता भिजवाया था या ट्रस्ट ने न्योता भिजवाया था, वो नहीं गए, वो राम को नहीं मानते. तो ये ऐसी चीजें जो है उसका असर तो जनता पर जरूर पड़ा होगा और शायद वो भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा जरूर. सीधे तौर पर नहीं राम मंदिर, लेकिन अंडरकरंट में था. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट यू नो इट वाज अ फेयर कंप्लाई. मंदिर बन गया और उसके बाद क्या, आई मीन नोबडी गिव्स यू क्रेडिट, बट इफ यू आर मेकिंग एन एफर्ट एंड डूइंग समथिंग पीपल रिकॉग्नाइज इट. अभी मंदिर बन गया, द पीपल डोंट वांट टू गिव होल क्रेडिट टू द बीजेपी, दैट इज ऑल्सो देयर. बीजेपी डिड लॉट ऑफ वर्क, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू इट. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ शिफ्ट इन द behavior of young Hindu youth, but that doesn't mean they're all going to support the BJP. And also BJP was very aware of it, as Manjeet said, no leader said we have made Ram Mandir so you better vote for us. They were very cautious. They know that people are not going to, you know, kind of get blackmailed because they built a temple, a magnificent one, and now uske badle mein humko vote do. That even BJP was very aware. So this, नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र निकाला था, 10 साल की जो उपलब्धि थी उसमें राम मंदिर का खास तौर से जिक्र था, हम शायद भूल गए. अब जिस पार्टी ने 1989 में पालनपुर में कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उसने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, तो इतना फायदा नहीं लगी क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं किया था, उपलब्धि नहीं किया, लेकिन घोषणा पत्र में बाकायदा जिक्र है उसका. मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ. सो व्हाट इज घोषणा पत्र, कौन सा अभी का घोषणा पत्र? 10 साल का उन्होंने जो उपलब्धि बताई उसमें, उपलब्धि में तो वो तो ठीक है, मतलब घोषणा पत्र में जब शामिल आ गया तो ठीक. सो नाउ ओपन अप दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, व्हाई इज इट दैट लाइक वी टॉकिंग अबाउट यूथ, द यूथ बिटवीन 18 टू से 35 हैज नॉट गॉन इन लार्ज नंबर्स टू वोट फॉर बीजेपी? वी स्टार्ट विद यू आशा जी. यूथ हैव नॉट गॉन, दिस जनरेशन ऑफ यूथ, आई हैव अ यंग डॉटर, ऑल ऑफ अस आर इन दैट एज ग्रुप, दे आर वेरी एपोलिटिकल चिल्ड्रन. आवर चिल्ड्रन आर वेरी एपोलिटिकल. They are more bothered about their careers. They don't understand the, you know, the backlog probably our generation is carrying. Right. So they then for them an off for a, you know, voting day, it means it can be combined with other things and they'll go for a holiday. Right. So that is the by and large. But of course there was heat was one thing and there was nothing to enthuse the youth. So they were disinterested. They were indifferent. I would say indifferent. They were by and large indifferent. There was no precise point
on which, you know, there was no focus of BJP's campaign. Because essentially they have taken 10 years, ye uplabdhi hai, wo uplabdhi hai, which is fine. But what next? It was not very clear in BJP. What next they want? There was no focus on but that if campaign. You compare it with others, they still have a clear picture in their mind what they want to do. Yeah, comparatively, I'll say BJP was much better because BJP talked in kind of slightly abstract terms, Vish Guru banayenge, we'll do this. That was, there's nothing tangible. Probably, thoda words mein kehte hai na, little words were not craftily used by them. But other parties, of course, they had no plans. They never gave any vision. Right. BJP has a dream. Right. Prime Minister Modi has a dream. But other parties, I have not seen they having a dream. They just want, somebody wants to, her son to come and, you know, come to the power. Somebody wants a daughter to come to power. By and large, Mota Mati, we have seen this. But comparatively, as you're right, I mean, this is a question which people, analysts should probe. Why is youth indifferent to elections? Yes, and PM is so proactive that even before the results are out, you know, he's started taking meetings for the next government. Hashmi sir, what's your take on youths? देखिए, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, ये सारी पार्टियों के लिए है और सबको चिंता करने वाली बात है. एक अलग दुनिया है. उन्होंने जैसे एक वर्ग बताया कि इस उम्र से लेकर उस उम्र तक राम मंदिर का प्रभाव था उनके बीच में. उसके पहले का जो जनरेशन है उन पे ये इस तरह का नहीं. उनकी एक अलग दुनिया है. उस अलग दुनिया में वो देखते हैं कि वो जो भी सामने वाला उसको कितना प्रभावित करता है. मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि हमारा लड़का है वो दूसरी बार वोट देता और वोटिंग से पहले उसमें बहुत उत्साह था कि मैं वोट करूँगा. गर्मी की वजह से बोला कि छोड़िए पापा, मैं नहीं करूँगा. तो हम ये सोच रहे हैं कि सरकार बनानी है, एक अच्छी सरकार आएगी, कुछ हमारा भविष्य बदलेगी. यूथ की एक अलग दुनिया है. अब मेरे ख्याल से सारी पार्टियों को उसमें झांकना पड़ेगा और उसके बाद उनमें जो चल रहा है उसको भी लेकर के आगे आना पड़ेगा. एक अपडेट देना चाह रहा हूँ मैं. दो राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हो रहे हैं साथ में. तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कुल 175 सीटें हैं. तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जो है स्पष्ट बहुमत 130 सीटों पर आगे चल रही है. और जेएनपी जो है वो 20 सीटों पर है. वाईएसआर कांग्रेस 18 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है. उड़ीसा में दूसरा विधानसभा जो की जो मतगणना चल रही है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लीडिंग एज दिख रही है. 147 सीटें हैं, 147. भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे है. बीजू जनता दल 54 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 12 सीटों पर, निर्दलीय 2 सीटों पर और माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 1 सीट पर आगे है. हाशमी सर, उड़ीसा में नवीन पटनायक का जो अबाध शासन रहा है 5 टर्म का, इस बार खत्म होता दिख रहा है क्या रुझानों में? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होगा और रुझान से वो लगातार आगे सीटें बढ़ रही हैं. तो निश्चित है कि वो, ये मेरा, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि उनको एहसास हो चुका था कि सत्ता निकलने वाली है, इसलिए उन्होंने रिलेशन ख़राब किया था अपना. यस, एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट दैट you know, Chandrababu Naidu is making a comeback. But let's, staying on BJP, you know, BJP in terms of states, you know, wherever it goes, it really works on the ground. And you see Bengal, where it became the principal opposition party, and now, of course, it is in a position almost, going by the trends, to form the government in Odisha. That's, so they work at the grassroots. It's not a one-off battle, you know, they work on long-term strategies. What do you have to say, Ashwin? Yes, certainly. I mean, we have seen that BJP is a party. It has a very strong organizational edifice, and they work from day one, right from the booth level worker to the top. Everybody gives their input, and that input, we are told, it is given from the day they lose or win an election in a constituency. Right. They are very hardworking people, and they have a vision for themselves. And they are very clear at it. That is the reason they have come from, you know, there were 2 people in the Lok Sabha, and now there are so many. They are going to have also, most likely to have a 3rd term in the, they are very hardworking party. Also, what sets this party apart from other parties is, there is nobody has a bhai, beta,
daughter to be installed in the power. Yeah. It makes it a complete pure party, as political parties should be. The other parties, regional parties, or even to Congress. You know, the Congress biggest strength and weakness is the first family, right. Nehru Gandhi family. I mean, if they lose, if party loses, the blame goes to, you know, there's so and so person is there, so mother wants to install him. And also, if they win, the credit goes to the party. So it is in a kind of stuck in a whirlpool. It cannot come out of the BJP has no such problems. Right. Again, the thing to be marked about BJP is most of the many sitting MPs, they were not given the ticket. Right. अच्छा हाशमी जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ. अभी जो इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी का बता रहा है 11:50 का, भारतीय जनता पार्टी अभी 235 सीटों पर लीड कर रही है, एक जीत चुकी है, कांग्रेस 99 सीटों पर. यानी अगर यही डेटा रह गया, अगर यही आंकड़ा रह गया, तो इसका मतलब है कि एनडीए तो बहुमत में आएगा लेकिन भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ रही अभी के हिसाब से. ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब भी 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी पूर्ण बहुमत में थी, तो उनके शासन पद्धति पर, नरेंद्र मोदी जिस तरह का शासन करते हैं, जिस तरह से इकबाल बुलंद रहता है, क्या उसमें उनको कुछ समझौते करने पड़ेंगे एनडीए के बाकी दलों के हिसाब से, या इसी तरह का जलवा रहेगा? देखिए, हमेशा जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो फिर किसी सहारे की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है. और भी अगर सहारा ऐसा हो, चूँकि जो रीजनल पार्टियां हैं वो हमेशा अपने अपने हित को लेकर के आगे चलती हैं. जब चौटाला साथ में थे तो हमने देखा था. इसी तरीके से अगर ऐसी स्थिति आ गई तो निश्चित है कि जिस तरह से खुल के मोदी काम करने का अंदाज़ है, जिस तरह से कुछ फैसले वो लेते हैं, वो उस तरह से नहीं ले पाएंगे. उनके बीच में फिर उनको लेके जाना पड़ेगा अपने साथियों के साथ. उसके बाद शायद जो है बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी तय कर रखी हैं, उनको ज़मीन पे उतारने में उनको दिक्कत हो सकती है. एक बात तो बिल्कुल क्लियर है. दूसरी बात ये, अभी ये कह रही थी बीजेपी के पार्टी के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाती है. प्रधानमंत्री जैसे ही जीतते हैं या जो भी रिजल्ट होता है, सीधे पार्टी कार्यालय में जाते हैं और उसके बाद वो जाकर के लोग मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं. ये ऐसी चीज़ें दूसरी पार्टियां सीख रही हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित किया जाए. और देखिए, मैं राहुल गांधी की थोड़ा सा इसमें इसलिए तारीफ करूंगा कि उससे उन्होंने सीखा. जो पैदल यात्रा करी उन्होंने लोगों को गले लगाए, ऐसी तस्वीरें बहुत आई हमारे. एक सवाल जी, अब थोड़ा दिल्ली पे आते हैं जी. दिल्ली में 7 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और जिस सीट की बहुत चर्चा हो रही थी वो थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में सीधी फाइट थी. अब जो है मनोज तिवारी करीब करीब 44,000 सीटों से वोट से आगे चल रहे हैं. चांदनी चौक पर जिस जो थोड़ा पीछे चल रहे थे प्रवीण खंडेलवाल, वो भी करीब करीब 10,000 वोट से आगे चलने लगे हैं. तो कन्हैया कुमार के बारे में क्या ये शेर अभी मौजूद बैठता है कि बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का काटा तो खतरा है खूना निकला? बिल्कुल. जनता, जैसे हम लोग शुरुआत ही करते हैं कि जनता जनार्दन क्या सोचती है वो भावनाओं में नहीं बहती. हाँ. वो आजकल तो जनता ऐसे शानी हो गई है कि वो पहले से तय कर लेती है. उसको मेरे ख्याल से उसके मुद्दे भी तय होते हैं. हाँ. अब आप लाख उनके सामने सर पटकते रहिए, जो उनको उन्होंने जो तय कर रखा है उसी पे जाके वोट देते हैं. हाँ. कन्हैया कुमार ठीक है, अच्छा भाषण दे लेते होंगे, अच्छा भीड़ जुट जाती होगी, लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोच रही है या उनकी सीट की जनता क्या सोच रही है, आप उसके दिल में उतर के नहीं देख सकते. हाँ. और वो रिजल्ट आएगा सामने तो भी पता चल जाएगा कन्हैया कुमार को कि हम जो कहते हैं और जनता क्या सोचती है उसमें कितना अंतर है. मंजीत, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द some of the Muslim candidates who are in the fray, and apparently they are doing quite well in Uttar Pradesh, especially the Samajwadi Party. So if we can go to our maps and see Uttar Pradesh, some of the very interesting constituencies, Amroha, Kerana, where from Kerana, Iqra Ahmed is leading from Samajwadi Party, in Rampur also it is leading. So if we talk about Amroha, Amroha, where Danish Ali is contesting, we don't yet have clear updates from there, but certainly, the
द समाजवादी पार्टी हैज मेड अ कमबैक. सो कुंवर दानिश अली वर्सेस कंवर सिंह तंवर, दैट्स वन इंटरेस्टिंग कंटेस्ट विच इज़ हैपनिंग. देन वी गो टू कैराना. कैराना इज लाइक लाइक इकरा, यू नो हु वी हैड ऑल्सो कवर्ड हर कैंपेन. Rampur, of course, Samajwadi Party is leading. That was expected. Now that's Ikra Ahmed, who's you know, fielded against Pradeep Kumar, BJP, and she's leading. And Rampur, Mohibullah is also leading. He has an edge over Ghanshyam Singh Lodhi of BJP, and of course, Jishan Khan of BSP. BSP clearly is, there's a wipeout, you know. Asha ji, that BSP performance has been very dismal this time around. Was it because, you know, Mayawati, you know, sort of had a very rough patch with her nephew? What is it that is completely going? It appears that Dalit vote has moved on to BJP, in Uttar Pradesh at least. Otherwise, it's, you know, the situation could have been even bad, but we do not know whether Dalits have shifted to BJP in Maharashtra, because Maharashtra is another story. Now let's go to some other maps from Bihar to see interesting contests where Muslim candidates are contesting. Madhubani is one area. Madhubani where Ashraf Fatmi. Ali Ashraf Fatmi, who pehle Darbhanga se sansad the. Yes, and Ashok Kumar Yadav. That is going to be another interesting contest. Now let's talk about Assam. Assam is like is also quite vibrant, you know, politically, because of various factors. Karimganj and Dhubri. Dhubri, of course, because of Badruddin Ajmal. Badruddin Ajmal sahab piche chal rahe. He's trailing. Oh, yeah. That's interesting, because he's a very strong stronghold in Assam, that region. And now let's go to Maharashtra. Maharashtra is another interesting contest where, you know, there are various factors which are playing out. Aurangabad is one seat where he's also trailing. So it seems that Shiv Sena is making a strong sort of comeback. Now, there are various factors in Maharashtra. You know, there are two regional parties who have seen a division. You know, one is, of course, the Shiv Sena, the other one being the NCP, where you know, Sharad Pawar and Ajit Pawar factions have divided. And interestingly, in Maharashtra, Supriya Sule was also trailing. She was contesting against her sister-in-law. So that's another interesting thing which is happening there. Now, Aurangabad, we have covered. Let's go to Telangana. Telangana in Hyderabad. If you go to Hyderabad seat, Asuddin Owaisi. Now, of course, he was leading as per my last update. We'll have to check what's happening now. But it was a contest. It wasn't a one-sided story this time around. Now, let's go to Kerala. Kerala is an interesting story for BJP. You know, BJP is making inroads in Kerala. Punani, Abdus Samad Samdani is contesting there, but of course, like we said, Chandrasekhar is leading and Shashi Tharoor is trailing. So that's another interesting fact. Malappuram is the seat which Ashaji is very interesting. Abdul Salam from BJP, and there are both left and Muslim League candidates who is contesting against. If you talk about West Bengal, let's go to West Bengal now. And West Bengal is yet another interesting state where BJP's was doing well initially, but now I've been told by Manjeet that TMC has taken the lead. Is it? This seat over. So that's huge. So Behrampur is one seat in West Bengal. Yusuf Pathan, of course, like Hashmi Saab was saying that, you know, the youngsters. So he's also kind of youngster now. He's not too old. Let's go to Maharashtra now. Let's go to Karnataka. Maharashtra we've done already. Behrampur mein Pathan hi lead kar rahe hain. He's leading? Yeah. Oh, okay. 55 voters hain. Yes. So we also have to get an update on Miss Haleem. She was also contesting from the left. Now let's go to Karnataka, where Mansoor Ali Khan
from Congress is contesting. So that is another, you know, seat. Now let's go to J&K quickly. Let's go to J&K and see what's happening there in J&K. Anantnag, of course, Mehbooba Mufti is trailing, is it? She was trailing, so we'll settle down on the real data and not just trends. You know, we'll come up with updates at 2 o'clock on this, but really Kashmir has been huge in terms of revival of political process. What do you say, Ashaji? Definitely it has been huge. It is a I've been writing also and saying also, it is not that whether NC wins or National Conference wins or PDP wins, it is the democracy which has won. Mehbooba Mufti 154,000 votes se piche chal rahi hai, ye bahut badi baat hai. So which means National Conference ke Mia Altaf wahan se jeet rahe hain. So that also means that people are probably feeling that, you know, there's no scope for two regional parties in Kashmir now. Umar Abdullah 61,000 votes se piche chal rahe hain. This is a very interesting contest. You know, this Umar Abdullah is locked in a triangular contest. That I want to mention here. He's locked in a triangular contest. Abdul Ghani Lone's son is there. Then there is a person called Engineer Rashid. Right. Yes. He is a very phenomenal person. He is in jail right now, in Tihar jail. He is facing some terror charges and is contesting. He has come as a last minute entry into the scene and he has changed the whole equation. Right. In fact, he was leading for quite some time. Right. And now I'm told that Umar Abdullah is trailing. That's a huge setback for National Congress. Yes, the old kind of politics is not working. It's not working, yes. There's a reaction. एक बहरामपुर की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें अधीर चौधरी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यूसुफ पठान थे, लेकिन अधीर चौधरी से सिर्फ 1,000 वोट से पीछे चल रहे हैं निर्मल कुमार साहा, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं. तो एक ट्रायंगुलर फाइट वहां पर. यस, इनिशियली वाज ट्रेलिंग अधीर चौधरी, रंजन चौधरी वाज ट्रेलिंग. अभी भी ट्रेल कर रहे हैं वो 5,000 वोट. ओके, so now as per the trends, BJP is leading at 240 seats, yet way to go for halfway mark. So it has to sort of pull up its socks if it is in a comfortable position to form the government. The overall picture is NDA is 295 and India is 229. So clearly revival of Congress is the message which comes out from these trends, but we'll have to wait. It's a long day. What do you say, Hashmi Saab? Do you see a clear revival of Congress? You know, that Rahul Gandhi, after all this struggle which he's done all these years, is now started working. मेरे मैं जब न्यूज़ में आ रहा था यहाँ पे खास तौर से, तो मेरे दिमाग में ये सवाल था. हम चाहेंगे कि उसका जवाब आप लोग भी दें कि ये जो उपलब्धि कांग्रेस के हिस्से आ रही है, ये किसके हिस्से जाएगी? खड़गे के कि राहुल गांधी के, किसके प्रयास से? देखिए, ये अगर 98 सीट में वो 98 सीट पर आगे रहना अगर उपलब्धि है, तब तो खड़गे के जाने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो 52 सीट लेके आए थे, उससे पहले 42 सीट लेके आए थे. हाँ, तो ठीक है, बहरहाल उनका रिवाइवल तो हो रहा है. जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि इस चुनाव में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कांग्रेस, वो वैसा दिखता नहीं है, और मेरे ख्याल से दुगनी होती हुई दिख रही है मुझे. पिछले चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो मुझे दुगनी होती हुई दिख रही है, और ये उत्साह जो है उनके कार्यकर्ताओं में ज़रूर भरेगा, और उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया वक्त. मैं अभी के रिजल्ट के हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर रिजल्ट इस तरह से आए तो कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में. सो दैट्स इम्पोर्टेंट, यू नो, यू नीड टू हैव अ यू नो ऑपोजिशन which is strong. Only then, you know, there is development in the country. But Ashaji, tell us, this Congress plank of Bharat Jodo Yatra, do you think that's really worked in their favor? I think that has worked in his favor, because the contact with the grassroots people is always, it gets you dividends. You know, when people say a leader is coming and walking along us, right, it is always good. And there are a lot of parties which have revived their fortunes by doing similar yatras. Advani was one such person who, of course, went in a different context. But right, Rahul Gandhi's yatra particularly was praised a lot. I mean, he really walked through the fields, and particularly in South India, I think the party got a huge revival. Rahul Gandhi must
get credit for that, but that is not the only thing. There is strategizing which must have happened at the level of Kharge or maybe even Sonia Gandhi. Yeah, who or knows? Priyanka, you're not yeah, we don't know. I mean, it's not a transparent party that we know of. It's run by a clique and a family, which is fine. It's their problem what they run. But Rahul Gandhi should be given credit for legging it out and walking down the whole length and breadth of the country. Definitely, that has brought him some dividends. Manjeet, it appears that these yatras really work for Congress. You know, it was back Sonia Gandhi before 2004, and. You know, now Rahul Gandhi is taking the same this thing. Indira Gandhi also used to go in for you know, certain yatras. Why is it that yatras really click for the Congress? हम अभी नहीं जानते इस बात को कि यात्राओं का फल मिला है या मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय से आते हैं उनके आने का फायदा है. कर्नाटक में जिस हैदराबाद इलाके से आते हैं, हैदराबाद कर्नाटक के इलाके से, जो वहाँ पर बहुत अच्छी सीटें हैं कांग्रेस को मिलती हुई दिखी हैं अभी तक कर्नाटक में. तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि खड़गे का की जो सांगठनिक क्षमता है उसको, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार कोशिशें कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी बहुत बार कर चुकी हैं, तो अगर कामयाबी मिली तो भी उनके हिस्से, और तो हमें तो खड़गे को देना चाहिए श्रेय कि अगर उन्होंने राहुल गांधी देंगे. नहीं नहीं, अब कितनी बार लेंगे, कितनी बार लॉन्च होंगे? हर बार थोड़ी लॉन्च होंगे, 17-18 बार थोड़ी लॉन्च हो सकते हैं. नहीं, पर हमारा कहना है कि उस एलिमेंट का भी कुछ हिस्सा होगा ना. तो आप मतलब जीतेंगे तो भी आप ले जाएंगे क्या, और हारेंगे किसी और के मत्थे पे थोड़ी थोप देंगे. तो खड़गे को ये अगर ये जीत में ये जीत अगर हासिल होती है, अभी तो रुझान है, अगर ये जीत हासिल होती है तो खड़गे की, और अगर इसमें पासा पलटता है, आंकड़े बदलते हैं, हार होती है तो भी खड़गे की. नाउ इंटरेस्टिंग अपडेट, यू नो दैट समाजवादी पार्टी लीडिंग 36 seats in Uttar Pradesh, and Congress also seems to be making comeback by 9 seats. Interestingly, the BJP candidate from Ayodhya, Manjeet, is trailing. So that is quite quite huge, quite an indicator. The BJP candidate from Ayodhya is trailing. Now, Sensex has also tanked, not tanked, but it has come down 4,500 points. Nifty is also down by 1,450 points. So there is impact on the share market as well. Ashaji, what do you have to say? Well, these are all speculative things, you know. The share market runs on the sentiment, and yesterday it was on the all-time high because they were because of the exit poll. So now things are not as bright for BJP as it was made out to be by the exit poll. So the sentiment is dampened, and I think this. निफ्टी एंड सेंसेक्स, हमें कोई भी राय बनाने से पहले 2-2.5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए. राइट, नहीं अभी तक का जो आंकड़े हैं उनको देख के कह रहे हैं, और सेंसेक्स के भी आंकड़े हैं उनको हम जोड़ रहे हैं 4500. यू आर राइट, आई मीन अगर आंकड़े मतलब उस हिसाब से जाएं बाद में तो सेंसेक्स में भी उछाल आ जाएगा, उसमें तो कोई देर नहीं लगती. नो, सम वेरी इंटरेस्टिंग, यस्टरडे अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स वर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी they have stocks, should they sell it off or should they wait? So I had no answer. I said, why don't you sell off half of them and keep the half with you? You never know. So that's something. नहीं, शाम को चढ़ेगा सेंसेक्स, तो जो लोग अभी बिकवाली की वजह से गिर रहा है ना बाजार, वो खरीद लें, शाम को बिक्री चढ़ेगा. Yes, so मतलब मेरे ऊपर मत थोपना. Let's see what happens. And Manjeet, what are your other, you know, takeaways of these trends which are coming in? देखिए, पहला ये अब विपक्षी गठबंधन किसी भी तरह से ईवीएम को दोष नहीं दे पाएगा. उनको नहीं देना चाहिए कि आप इतने सारे सीटों के बाद, या अगर जीत भी जाते हैं या रुझानों के बाद, तो अब ईवीएम के माथे पर ये ठिकरा नहीं फोड़ना होगा. दूसरी बात कि बेशक अगर इनका गठबंधन है क्षेत्रीय पार्टियों ने, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कांग्रेस अभी तो 98-97 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी को जो लीड दिख रही थी एग्जिट पोल्स में, वो असल में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जोड़ करके था. तेलंगाना में, केरला में तो उम्मीद के मुताबिक ठीक ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में भी ठीक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो 31 सीटें भाजपा के पक्ष में थी अभी तक वो टीएमसी के पाले में दिख रही हैं अभी तक 12 बजे तक. तो इसलिए लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए थोड़ा. ऑफ कोर्स, यस, वी हैव टू वेट एंड वॉच. व्हाट अबाउट यू हाशमी साहब, what are the takeaways you think are quite prominent, you know, very obvious from the trends which are coming in? देखिए, यही अगर रहा अगर ट्रेंड, तो यह स्पष्ट है कि सरकार किसकी होने वाली है.
ये तो रुझान से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और अपने श्रोताओं से भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करिए ताकि हम ये आपको बता सकें कि सरकार किसकी बनने वाली है। रुझानों पे तो अब जो दिख रहा है वो उसी हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। अभी होली मत खेलिए। हाँ, इसलिए अभी होली मत खेलिए, अभी रंग बचा के रखें। तो इसलिए अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे TMC की बात हम लोग कर रहे हैं या बीजू जनता दल भी कुछ ना कुछ सीट लेके आएगी, ये तो ये किनके तरफ जाते हैं? सरकार जो है वहाँ पर भी बहुत, अभी ये लड़ाई अगर यही स्थिति रही, नहीं नहीं TMC का तो है इंडिया ब्लॉक का वो अभिन्न हिस्सा है, बीजू जनता दल NDA का हिस्सा है। TMC कहती है लेकिन वो अलग, उन्होंने चुनाव लड़ा और कहा कि बाहर से समर्थन देंगे, वो अभी अंदर हैं कि बाहर हैं, चूँकि TMC BJP के फिर साथ जा चुकी है इसलिए अभी। हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स तो गुंजाइश है, किसके हिस्से क्या आता है अभी वो, so भी वो भी देखना पड़ेगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस, यू नो ऑफ कोर्स BJD इज NDA अलाय, व्हाट इफ इट लूजेस इलेक्शंस इन द स्टेट असेंबली एंड इट सपोर्ट्स BJP एट द सेंटर, यू नो एज अ component of NDA, is that likely to happen? उतना सीट अगर ले आ पाए और अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो BJD जरूर सपोर्ट करेगी। It appears that BJP will now require support from other parties. क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में शामिल है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना पड़े तो वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, तो उसी तरह बीजू जनता दल भी अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार में शामिल नहीं होते हुए भी बाहर से वो सपोर्ट कर सकती है। राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स गिव यू एन अपडेट। NDA इज 297 एंड इंडिया इज 227। इफ यू टॉक अबाउट द वोट शेयर दिस टाइम, यू नो मंजीत, वी हैव सीन दैट कांग्रेस हैज इंप्रूव्ड इट्स वोट शेयर एज अगेंस्ट द BJP व्हिच हैज ऑल्सो डन वेल, बट its vote share has been dampened by the Congress revival. What do you say? Sir, देखिए एक होता है सत्ता विरोधी रुझान, वो लगातार तीसरी बार आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं तो सत्ता विरोधी रुझान से निपटना ही बहुत बड़ी चीज़ है। right. और मेरे ख्याल से नेहरू के बाद अगर मोदी वापस लौटते हैं तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीन बार चुन करके निर्वाचित होकर के आएंगे। तो सत्ता विरोधी रुझान हर स्तर पर होता है, इसलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे सांसदों के टिकट काट दिए जो उस समय वर्तमान सांसद हैं और उनकी जगह नए लोगों को टिकट दिया और ये उनका पत्ता एक तरह से चला। ये जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं नंबर्स, ये सत्ता विरोधी रुझान और अधिक हो सकता था। मोदी के खिलाफ लोग नहीं खड़े होंगे लेकिन उनके सांसदों के खिलाफ तो स्थानीय स्तर पर होता है ये सत्ता विरोधी रुझान, 10 साल में तो काफी जमा हो जाता है। तो इसलिए ये उम्मीदवार बदलने का जो उनकी उनका तुरुप का इक्का था वो काम करता हुआ दिख रहा है। क्लियरली यू नो द MPs, द BJP MPs नीड टू वर्क हार्डर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू अडॉप्ट विलेजेस एंड वर्क मोर एंड मोर, बट apparently there was some discontent among the voters as far as the MPs are concerned in the BJP. There were several complaints that they do not turn up. Do you think, Ashmi Saab, there's also a factor this time around that people had taken it for granted that BJP is going to win? So what's, I mean, why to go and vote? You know, they had taken it for granted and there was some reluctance which set in among the dedicated or loyal BJP voters. देखिए ये तो जिस तरह से लग रहा था और हमेशा हमारे पता नहीं किस तरह से दिमागों में डाला गया है कि अगर लो परसेंटेज वोट हो तो सत्ता में जो रहती है पार्टी वही सत्ता में रहती है, जबकि मैं बड़ा इसका खिलाफ रहा हूँ। क्योंकि एक अध्ययन मैंने पढ़ा था उसमें था कि ऐसा 100 में 33% ही हुआ कि अगर लो वोटिंग हुई तो 33% ही सत्ता में वो जो थे वो वापिस आए, बाकी परिवर्तन हुआ। right. तो कुछ लापरवाही तो हुई। अब वो लग रहा है कि हम नहीं तो कोई तो दे ही देगा। right. तो थोड़ा सा जोश भी था पिछले अगर दो चुनाव का अगर हम देखें तो जिस तरह से BJP के समर्थक और कैडर ने हिम्मत दिखाई थी, जोश दिखाया था, मुझे वो सड़कों पे नहीं दिखा ना बूथ पे दिखा। और मैं जहाँ से पर्ची लेता हूँ वोटिंग के लिए वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं ले, जो लोग बांट रहे थे हालांकि वो तो थे BJP के लोग लेकिन वो परिवार के लोग ही थे, कार्यकर्ता की कमी थी। वो मुझे लगा कि शायद वो, जबकि BJP का ये कल्चर रहा कि बूथ लेवल तक वो मैनेज करते हैं। राइट,
एक एक बूथ पे उनके कार्यकर्ता होते हैं। इस बार शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही रही कि हम जीत ही जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा उनको उस पर फिर से सोचना पड़ेगा। और निश्चित है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग नेता हैं, इतने से तो सब सोचते ही होंगे कि कहाँ पे। अच्छा जी, डू यू थिंक दैट इट वाज लैकिंग दैट एक्साइटमेंट व्हिच वाज सीन इन 2019? Yes, it was there. I mean, one could feel that they're not as excited as they were used to be earlier. But to my mind, there comes another point, you know, after this discussion, that comes to the campaigning by BJP. BJP's campaign was not as emotive as it used to be earlier. You know, they focused on development, image of India, which is all fine. But the BJP supporters and loyal followers of BJP, probably they had more expectations about emotional issues, about identity issues from the BJP. They didn't want a Modi and a BJP which has gone moderate. Yes. I think that kind of dampened the enthusiasm, and BJP probably couldn't do much. Of course, he's the prime minister, he has to look at the larger interests certainly, of the country. Certainly. So I was trying to say 2014, I said 2004, but clearly it seems that the Muslims in India have voted tactically in this elections, which have improved the fortunes of Samajwadi Party and the Congress. We'll discuss that in greater detail. My colleague Manjeet, along with the other editors, will be looking at that picture in greater detail at 2 o'clock. But as of now, it seems that the voters are really rewarding the BJP's developmental plank and the confidence it inspires. But clearly, the India bloc is making a comeback, which is not a bad thing, because you know they will, going by the trends, they will form a strong opposition, which is important for the overall growth of the country. Now, these are the trends, of course. As of now, the latest update as of now is 298 for NDA and 226 for India. So that's all for now. We'll be back again with the detailed discussion on the performance of Muslim candidates and how Muslims have voted in these elections. Till then, goodbye. We'll see you again at 2 o'clock. Thank you.